मान लीजिए आप 6 महीने के लिए इंडिया के बाहर जाते हैं, क्या आपका व्यापार आपके बिना चलता रहेगा? या आपके जाने के बाद जहां सबको जाना है एक दिन, आपका बिजनेस बिना आपके चलता रहेगा? या आप हॉस्पिटलाइज होते हैं खुदा न खास्ता कुछ महीनों के लिए, तो क्या आपका धंधा चलता रहेगा? धंधा चलता रहेगा 6 महीने न जाके भी? एक दिन नहीं चल सकता अनुराग। एमडी का मतलब समझते हो? एमडी का मतलब होता है मेंटली डिस्टर्ब्ड। हम जाते हैं तो काम होता है अनुराग। लोग सबके सब क्या कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर बात कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं सारा दिन ऑफिस के अंदर, और कुछ एक लोग तो सो भी रहे होते हैं। लोअर मैनेजमेंट छोड़िए अनुराग, टॉप मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स, वीपीज, जीएम्स, जनरल मैनेजर्स, मैनेजर्स, सीईओस, डिपार्टमेंट हेड्स कोई काम नहीं करता। सीसीटीवी लगा कर देख लिए, डांट लगा कर देख ली, समझा बुझा के देख लिया, बोनस भी दे दिया, 2-4 कुतब नौकरी से भी निकाल दिया, 2-1 दिन काम चलता है और फिर ढाक के 3 पार, कोई काम नहीं करता। जिस ऑफिस में 7 में से 6 दिन जाना जरूरी हो, फैमिली के लिए 2 दिन छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते। अब बात करते हैं 6 महीने बाहर रहने की। और तो और, हमारे जाने से भी काम कहां होता है? काम होता दिखता है, होता फिर भी नहीं है। फिर देखिए अनुराग, जिसको भी रखते हैं उसको ट्रेन करने में, काम समझाने में कई कई महीने लग जाते हैं। और तो और, जब वो काम समझ करके तैयार होता है, काम करने के लिए तैयार होता है, रिजल्ट देने के लिए तैयार होता है, तो कोई और कंपनी उसको 2 गुना पैसा दे करके उठा के ले जाती है। सिखाया हमने और फायदा कोई और ले जाता है। तो हम क्या हुए अनुराग? हम हुए एक ट्रेनिंग हाउस। आओ हमसे ट्रेनिंग लो, हमारे खर्चे पर, हमसे सैलरी भी लेके जाओ, और जब सीख जाओ तो फुर उड़ जाओ। क्या करें अनुराग, लोगों को भड़ा करके, लोगों को रख करके क्या करें? आपने कभी सोचा कि अगर आपका मैनेजर नहीं आता तो उसका काम कौन करता है? आप करते हैं, है ना? और अगर आपका डिपार्टमेंट हेड नहीं आता तो कौन करता है? आप करते हैं। अगर हर छोटा काम आपको करना है, न्यू डिसीजन, न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज पर, न्यू सिस्टम पर कौन कौन काम करेगा? आपका अपना काम कौन करेगा? एमडी का काम कौन करेगा? एक और चीज जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है, जानते हैं क्या वो है? और बिजनेस फैला करके क्या करना है, यही नहीं संभाला जाता। क्या करना है इतनी टेंशन लेके? अभी तो 6-6 दिन काम करना पड़ता है, बाद में अनुराग संडे भी जाएगा, सोना भी नसीब नहीं होगा, इतनी टेंशन किस बात की? दरअसल आप हो अपनी सीट के, बुरा लगेगा तो आप हो अपनी सीट के गद्दी के बंधुआ मजदूर। मगर सही तो है ये, आपके होने से दुकान चलती है, फैक्ट्री चलती है, आपके होने से ऑफिस चलता है, तो आप क्या हुए? आप हुए बंधुआ मजदूर। बिजनेस कहता है मुझे एक आदमी के नहीं, एक सिस्टम के हवाले करो। बिजनेस कहता है मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे मालिक नहीं चाहिए, मुझे सिस्टम चाहिए। सिस्टम से चलाओगे तो एक टेबल पर, एक सीट पर जो भी बैठेगा वो मुझे चला सकेगा। आपने कभी दिल्ली मेट्रो देखी है? हर रोज 27.5 लाख लोग मेट्रो लेते हैं, यानी करीब 100 करोड़ लोग हर साल मेट्रो पकड़ते हैं सिर्फ दिल्ली में। और वो भी मैं आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर 16-17 का डाटा दे रहा हूँ। 164 स्टेशन हैं, 314 ट्रेन हैं, जो कि 3000 के करीब ट्रिप लगाती हैं एक दिन में। 218 किलोमीटर तक का ट्रैक बिछा था लास्ट ईयर तक। 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सब ट्रेनें खट 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 चल रही हैं, कोई टक्कर नहीं होती, कोई मेजर हादसा नहीं होता। क्यों? कभी सोचा आपने? शिफ्ट आ रही हैं, शिफ्ट जा रही हैं, एम्प्लॉइज एक दिन में कई कई बार अदला बदली करते हैं, बदलते हैं, मगर आपको कोई परेशानी नहीं आती। कैसे? हर सुबह 5 बजे श्रीधरन जाके सब 314 ट्रेनों को हर रोज झंडी नहीं देते? क्या ख्याल है आपका? मुकेश अंबानी अपने सारे ऑफिसेस का, फैक्ट्रीज का, एस्टेब्लिशमेंट्स का दरवाजा खुद खोलते हैं, शटर दुकान के खुद उठाते हैं, सब एम्प्लॉइज को खुद ट्रेन करते होंगे वो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सिस्टम। आप जब तक अपना धंधा अपने तक सीमित रखोगे, आप काम लिमिटेड ही कर पाओगे। काम रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा। आपका धंधा कहता है मुझे एक आदमी पर निर्भर मत कराओ, एक सिस्टम पर सेट करो। सिस्टम पर सेट करोगे तो आदमी आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, मैं चलता रहूंगा। अब ये सिस्टम कैसे सेट करने हैं, इसके लिए आपको हमारा बिजनेस कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा। 6 महीने का कोर्स है। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमोड पर लाना चाहते हैं, अगर बिना टेंशन के ढेरों ऑफिसेज खोलना चाहते हैं, ढेरों ऑफिसेज, एक तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ज्यादा बड़ा काम माने ज्यादा टेंशन। जी नहीं,
छोटा काम बड़ी टेंशन और बड़ा काम कम टेंशन। आप जितना काम फैलाते हो उतना ही आपके ऊपर काम की टेंशन कम हो जाती है। आप काम को डेलीगेट करना करते हो, डिपोटाइज करते हो, थोड़ा सा खाओ थोड़ा सा फेंको, थोड़ा सा खाओ थोड़ा सा फेंको। क्या कहता है जाने भी दो यारों में फेमस कॉमेडी मूवी के अंदर, थोड़ा सा खाओ और थोड़ा सा फेंको। अब डेलीगेट कैसे करना है, ढेरों ऑफिसेस को कैसे खोलना है, इसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा, आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। हमारे दिल्ली और एनसीआर में 10 सेंटर्स हैं। इस 6 महीने के कोर्स की मैं वीडियोस तो बनाता ही रहूंगा, मगर शायद इतनी सारी वीडियोस को बनाते बनाने में, ब्रॉडकास्ट करने करने में महीनों सालों लग जाएंगे। मुझे और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बोलना होता है और फिर बहुत सारी बातें वीडियोस में नहीं समझाई जा सकती। आपके डाउट्स, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जा सकता, उनके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा, कोर्स को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वीडियोस तो मैं बनाता रहूंगा, डोंट वरी। अगर आपको ये बिजनेस कोर्स ज्वाइन करना है या एक अच्छे कॉन्फिडेंस स्पीकर बनना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन पर लिखे फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको आगे आने वाली बिजनेस वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल पर क्लिक भी कर दीजिए। और आखिर में और भी डिजाइन शब्द खैर बेसिंग यू, मिलते हैं हम लोग आज के दिन आज के समय मेरी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।